सबसे पहले एक बार फिर से जब पंचतत्व पे प्राणायाम भी कराती हूँ तभी भी मैं एक दो बार इस बारे में पहले भी बोली हूँ। पंच तत्व से ये जो कि पूरा सृष्टि बना है और उसी से हम बने हैं, ये पंच तत्व क्या हो गया? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांचों तत्व है इसी से पूरी सृष्टि बनी है। जैसे कि धरती है जिसमें हम रह रहे हैं, तो वायु है, आकाश है जो अनंत है, और अग्नि जो हमें सूरज की रोशनी मिल रही है। हमारे अंदर भी वही पंच तत्व, जो धरती तत्व जो हमें धारण करके रखा हुआ है, जो हमारी बोन्स है, मसल्स है। जल तत्व है, 70% जल बाहर है, हमारे शरीर के अंदर भी वही जल तत्व है, हमारी बॉडी का 70-72%। और वायु, हम सांसें ले रहे प्राण, हमारी प्राण शक्ति प्राण वायु। और अग्नि, हमारे अंदर जो भी डाइजेस्टिव फायर है या जो अग्नि पाचन का काम करती, शुद्धि का काम करती है। और आकाश जो कि एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, अब इस पे हमें और एक बार स्पेस पे बात करेंगे ये, क्योंकि वही जैसे बाहर आकाश अनंत नापा तोला नहीं जा सकता, कहाँ से शुरू कहाँ से इसका एंड पॉइंट है, बिगनिंग पॉइंट है नहीं पता। तो हमारे अंदर भी वो हमारा मन बुद्धि विचार कह सकते हैं, जो उसको नापे तोले नहीं जा सकते, कि वो हमारे अंदर स्पेस, और स्पेस से अगेन वो खाली तत्व है। तो जब हम मरते हैं, जब हमारी इस शरीर की मृत्यु होती है, तो कौन सा तत्व पहले किस में जाके मिलता है? ये अगर पंच तत्व से हम हमारा ये शरीर बना है, तो सवाल ये अपने अंदर कभी फिर से चिंतन मनन करे कि कौन सा तत्व किस में विलीन होता है पहले। अगर इसे हम सीरियल वाइज देखते हैं तो हमारा जो पहले सबसे पहले कि क्या हुआ, पहला तत्व क्या, प्राण वायु, वो वायु तत्व समाप्त हो गया हमारे अंदर, जो सांसें हमारी रुक गई और मृत्यु हो गई शरीर की। तो सबसे पहला वायु तत्व वो शांत हो गया। सीरियल वाइज लिखे तो अगर पहला प्राण सांसें हैं, हमारी ब्रेथ रुकती है, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ। तो चलिए हम इसको एक बार फिर समझते हैं कि जब हमारे इस भौतिक शरीर की मृत्यु होती है, कहते हैं ना पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर है कि वायु, हमारी प्राण वायु रुक गई, सांसें रुक गई, पहले ये शांत हो गया। दूसरा जल तत्व, जल क्या है, मूवमेंट करता है, पानी हर समय वो उसका वो मूवमेंट का काम करता है, तो हमारे अंदर का जल तत्व शांत हो गया। दूसरा है कि जल तत्व, क्योंकि हमारा बॉडी का मूवमेंट रुक गया, जो वो मूवमेंट हो रहा था वो रुक गया। और उसके बाद है कि उसके बाद क्या बोलते हैं, शरीर ठंडा पड़ गया, कोई मृत शरीर को क्या बोलते हैं, ठंडा पड़ गया। पहले क्या होता है, कड़ा हो गया, मूवमेंट रुक गया, ठंडा पड़ गया, यानी अग्नि तत्व उसका शांत हो गया, अग्नि तत्व चमे चला गया, तो शरीर ठंडा पड़ गया। और उसके बाद जब उसको जला दिया जाता है, शरीर को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, धरती तत्व से वो वापस उसी में मिल गया। अगर जला भी देते हैं तो जितने की राख होकर के वो वापस उस धरती तत्व में मिल गया। और अगर हम किसी डेड एनिमल को भी देखते हैं, देखते हैं ना रास्ते में भी कोई जानवर, कुत्ता है या कुछ भी, किसी का एक्सीडेंट हो गया या मर गया, किनारे कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर, तो देखते हैं वो पड़े पड़े भी, सूखते सूखते हुए भी धरती में वो उसके बालू मिट्टी में उसमें वो मिल जाता है। तो वो ही की धरती तत्व में मिल गया किसी, और हमारी ह्यूमन बॉडी को भी जलाया या दफनाया जाता है तो धरती में मिल गया। और पांचवा है आकाश। तो आकाश तत्व में सभी कुछ है, इसी आकाश के अंदर ही वो जो चार तत्व है वो है, पूरी सृष्टि है, हम है, तो उसमें विलीन हो गए, उसी के अंदर तो सब कुछ है, तो उसी में समा गए। तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व, पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, और मरने के बाद इसी में हम विलीन हो जाते हैं। अब